कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। फिजिकल देने नहीं गए तो बाद में पछताओगे। आपके से कम जिसके नंबर है ना वो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा और आप ज्यादा नंबर वाले बाहर हो जाओ। नमस्कार दोस्तों सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है। आज वीडियो बनने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर। ज्यादातर बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि कम्युनिटी टैब में पोल करवाओ कि अब 7 दिन बचे हैं फिजिकल के, 6 या 7 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं दोस्तों? आपके फिजिकल स्टार्ट होने के 6 दिन बचे हैं, मतलब कि 28 जून से फिजिकल आपके स्टार्ट होने वाले हैं और आज से लगाएं तो 6 दिन आपके पास बचे हैं। तो मैंने कम्युनिटी टैब में पोल करवाया था, मैंने सोचा था 6 दिन बचे हैं तो आराम से बच्चों पर फिजिकल हो रहा होगा, आराम से लंबी कूद ऊंची कूद और दौड़ हो रही होगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं है दोस्तों। आप यदि आंकड़ा देखोगे ना, जो मैंने पोल करवाया था वो आंकड़ा देखोगे तो आप भी ऐसे बोलोगे हे भगवान आपकी बार क्या होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, यदि आपके अंदर डाउट है फाइनल कट ऑफ को लेकर, आप सोच रहे हो कि फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूं मेल की और फीमेल की, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है, अंतिम वीडियो है दोस्तों फाइनल कट ऑफ की, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने पोल करवाया था उस पोल में ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन पे दौड़ नहीं हो रही, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलता हूं सीधे टॉपिक के ऊपर। उससे पहले चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। और दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो या आपका अपना चैनल है, बेझिझक इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। अब मैं लेके चलता हूं सीधे टॉपिक के ऊपर। मैंने सोचा था कि फिजिकल के 6 दिन बचे हैं तो आराम से बच्चों पे दौड़ हो रही होगी, ऊंची कूद और लंबी कूद हो रही होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है, बच्चों पे दौड़ ही नहीं हो रही, ठीक है? मैंने दोस्तों कम्युनिटी टैब में आपके कहने से पोल करवाया था, उस पोल का मैं दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट बता देता हूं। यहां पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रही होगी, ठीक है? इसमें मैंने पूछा था दिल्ली पुलिस फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 66% बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम पे दौड़ ऊंची कूद और लंबी कूद हो रही है, और 34% बच्चे ऐसे हैं वो बोल रहे हैं कि हम पे दौड़ नहीं हो रही, हम पे फिजिकल क्लियर नहीं होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये तो 34% हुए हैं, इसमें आधे से ज्यादा बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं। मैं भी मानता हूं ज्यादातर बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों पे दौड़ ही नहीं हो रही, ज्यादातर पे ऊंची कूद और लंबी कूद नहीं हो रही। हमारे यहीं पर एक ग्राउंड है तो मैं भी जाता हूं दोस्तों शाम के टाइम, तो मैं देखता हूं ना तो 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन पे जितनी नोटिफिकेशन मिनट बताई गई है उतनी मिनट में दौड़ आ रही है, लेकिन फीमेल और मेल, ज्यादातर फीमेल और मेल पे दौड़ ऊंची कूद और लंबी कूद नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि अब 6 दिन बचे हैं जिस पे यहां पर दौड़ ऊंची कूद लंबी कूद नहीं हो रही, वहां पर भी नहीं होगी और वो सीधे सट बाहर हो जाएंगे। इसका फायदा आपको मिलने वाला है यदि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप पे रनिंग ऊंची कूद और लंबी कूद अच्छी खासी हो रही है, यदि आपके कट ऑफ से 1-2 नंबर ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपने सबने देख लिया होगा दोस्तों पोल के आंकड़े, पोल के आंकड़े को देखकर दोस्तों आप भी अचंभित रह गए होंगे, ये क्या होता जा रहा है। दोस्तों मुझे तो ऐसे लगता जा रहा है गई बार से भी ज्यादा बुरी हालत आपकी बार होने वाली है, जिस प्रकार से दोस्तों बच्चों पे दौड़ नहीं हो रही ना। और सबसे बड़ा दोस्तों मुद्दा एक और बता दो आपको, कास्ट सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन में जो बताया गया है ना 7/9/2020 से पहले का, ज्यादातर बच्चों के पास है ही नहीं, ठीक है? किसी ने अभी नया बनवाया है, किसी के पास पुराना है, किसी के पास स्टेट का है, किसी के पास सेंट्रल का है, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में भी बहुत बच्चे बाहर होंगे, या फिर दोस्तों उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, मतलब कि आपकी जो कट ऑफ है ना वो अब ज्यादा नहीं जाएगी। आपकी बार जो आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी दोस्तों वो करेगी एक तो डॉक्यूमेंट के ऊपर, सबसे बड़ा रोल रहने वाला है आपकी बार कास्ट सर्टिफिकेट का, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट में बाहर होने वाले हैं, या फिर उनको उठाकर जनरल में डाल दिया जाएगा। क्यों डाल दिया जाएगा आपको सबको पता होगा, नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी का 7/9/2020 से पहले का बना होना चाहिए, लेकिन बच्चों ने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दे रहे हैं, किसी ने नया बनवा लिया तो दोस्तों नोटिफिकेशन में लिख रखा है वो नहीं चलेगा, मतलब कि बच्चों को बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको मैं बता दूं वहीं जाकर पता चलेगा कि वो बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं, बाहर करते हैं, जनरल कैटेगरी में डालते हैं, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा डॉक्यूमेंट के टाइम, लेकिन नोटिफिकेशन में ये लिख रखा है कि 7/9/2020 के बाद का नहीं चलेगा, मतलब कि अब की बार फाइनल कट ऑफ किसके ऊपर निर्भर कर रही है, फिजिकल के ऊपर, कितने बच्चे फिजिकल में पास होते हैं, और डॉक्यूमेंट के ऊपर कितने बच्चों के पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में भी बहुत बच्चे बाहर होंगे, और फिजिकल में आपको बता दूं अब की बार जो निर्भर है ना कट ऑफ वो फिजिकल के ऊपर है, ठीक है? यदि ज्यादा बच्चे फिजिकल में पास होते हैं तो कट ऑफ
थोड़ी ज्यादा जाएगी और बच्चे ही पास नहीं होते हैं। ध्यान रखना, फिजिकल में बच्चे ही पास नहीं होते हैं तो कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाएगी। जो गई बार हाल हुआ था ना, वैसा ही हाल आपकी बार होने वाला है, ध्यान रखना। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, 28 जून को सब कुछ पता चल जाएगा, ध्यान रखना। 28 जून को पता चल जाएगा कितने बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट में बच्चों को बाहर किया जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना 28 जून को, याद रखना 28 जून को। पूरी पूरी कोशिश करूंगा लाइव दिखाने की ग्राउंड से, ठीक है। डॉक्यूमेंट कैसे चेक होते हैं, दौड़ में कितने बच्चे पास होते हैं, लाइव दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। यदि लाइव भी नहीं दिखा पाता हूं ना, कोई भी कारण से मान लो लाइव नहीं दिखा पाता हूं, तो आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कितने बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चल रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट में बच्चों को बाहर कर रहे हैं, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इसलिए बोल रहा हूं, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। मैं वादा कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस में जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक मैं ऐसे आपका डाउट क्लियर करता रहूंगा। अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करूंगा। अब मैं लेके चलता हूं फाइनल कट ऑफ के ऊपर। फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, ज्यादातर मेरे पास कमेंट भी करते हैं फाइनल कट ऑफ, तो पहले मैं आपको फीमेल को बता देता हूं फीमेल के फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। यदि आपके कट ऑफ से, ध्यान रखना, कट ऑफ से एक या दो नंबर भी ज्यादा है फीमेल का, तो उसके भी पूरे पूरे चांस है सिलेक्शन के, ध्यान रखना। यदि दो तीन नंबर ज्यादा है ना, तो 100% चांस है फीमेल के सिलेक्शन के, क्योंकि ज्यादातर फीमेल फिजिकल में बाहर होने वाली है, आपको सबको पता होगा। तो मैंने फीमेल की कट ऑफ बता दी, दो तीन नंबर ज्यादा है तो पक्का आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब मैं लेके तो मेल की तरफ, कि मेल की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि 3-4 नंबर भी ज्यादा है मेल के, ध्यान से सुन लेना, उसको भी फिजिकल देने जाना है। 1-2 नंबर ज्यादा है उसको भी फिजिकल देने जाना है, पॉइंटों में ज्यादा है उसको भी फिजिकल देने जाना है। लेकिन यदि आपके 6-7 नंबर ज्यादा है, ध्यान से सुन लेना, 6-7 या 8 नंबर ज्यादा है ना, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला फाइनल सिलेक्शन से। आपके 99% चांस है, जिसके 7-8 नंबर ज्यादा है उसके 99% चांस है सिलेक्शन के, ध्यान रखना। आज की वीडियो डाउनलोड करके रख लेना, कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और आपको मैं बता दूं, 28 जून को सब कुछ पता चल जाएगा कि कितने बच्चे पास होते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों बच्चे वोटिंग कर रहे हैं, इसका नतीजा ये निकलने वाला है, ज्यादातर बच्चे फेल होंगे क्योंकि दौड़ ऊंची कूद नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके 1-2 नंबर भी ज्यादा है, ठीक है, 1-2 नंबर भी ज्यादा है, तब भी आप फिजिकल देने जाना। यदि डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कमी है तो अभी आपके पास समय, डॉक्यूमेंट दोस्तों तैयार करके रख लो। फिर भी दोस्तों आपको मैं बोल दूं, यदि कास्ट सर्टिफिकेट में आपको प्रॉब्लम है तो आपके पास नया है उसको भी लेके जाना है, पुराना है उसको भी लेके जाना है, लेकिन आपको फिजिकल देने जरूर जाना है। फिजिकल देने नहीं गए तो बाद में पछताओगे, आपके से कम जिसके नंबर है ना वो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा और आप ज्यादा नंबर वाले बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप फिजिकल देने नहीं जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं फिजिकल देने जरूर जाना, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।